HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह रिव्यू करेगा कि तीन तलाक इस्लाम के फंडामेंटल्स सिद्धांतों में है या नहीं। अगर हुआ तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वे पॉलीगैमी यानी बहुविवाह के मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि यह तीन तलाक से जुड़ा नहीं है। तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला के विरोध में कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को मिली है। केंद्र सरकार पहले ही ट्रिपल तलाक के विरोध में अपना पक्ष कोर्ट में रख चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे शरीयत से जुड़ा मसला बताता है। उसका कहना है कि ट्रिपल तलाक मजहबी मामला है और इन मामलों में अदालतें दखलंदाजी नहीं कर सकती। जस्टिस जेस खेहर की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। 5 जजों की इस बेंच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और क्रिश्चियन जज हैं। बेंच मुस्लिम महिलाओं की ओर से दायर की गई 7 पिटीशन पर सुनवाई कर रही है। इनमें अलग से दायर की गई 5 रिट पिटीशन भी हैं। इनमें दावा किया गया है कि तीन तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बेंच ने इस मुद्दे पर 2 सवाल तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर पक्ष को इन सवालों पर दलील देने के लिए 2-2 दिन दिए जाएंगे और 1-1 दिन उनका खंडन करने के लिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी भी वकील को दलील रिपीट नहीं करने देगी। इस दौरान फोकस सिर्फ 3 तलाक पर होगा।